Jakub Čičet. मिस्ट्री ब्रेक से लोग नॉर्मल ब्रेक काम नहीं कर रहे और हैंड ब्रेक भी फेल हो गए. समझ नहीं आ रही कैसे बस को रुको. क्या कर रहे हैं ड्राइवर? पागल हो क्या? तुम लोगों को लाइसेंस कौन दे देता है? राघव जी, मेरी जिंदगी की हर खुशी राघव से जुड़ी है. वो सिर्फ मेरा प्यार नहीं है, मेरी जिद है, जुनून है. मैं राघव के लिए अपनी जान दे भी सकती हूँ और किसी की भी जान ले भी सकती हूँ. बंद करो ये सब. दिमाग ठीक है तुम्हारा? मुझे डर लग रहा है वाणी से देखकर. आपको डरना भी चाहिए चित्रा बुआ, क्योंकि आपने राघव को जान से मारने की कोशिश की है. वाणी फोन उठाने दो, राघव की कोई खबर हुई तो. पर बस को कुछ नहीं हुआ और सब लोग बच गए हैं. तुमने सुना ना, राघव को कुछ नहीं, वो ठीक है. अब तो मुझे जाने दो प्लीज वाणी, छोड़ दो मुझे. रिद्धि के घरवाले अभी तक सगाई के लिए आए क्यों ना? कभी सोचा नहीं था कि अपनी बेटी की शादी में अपने बेटे से पराए की तरह मिलना पड़ेगा. हमने सिर्फ अपना बेटा नहीं खोया, एक भाई ने अपनी बहन की डोली सजाने का सपना खोया है. शुभ काम के समय अशुभ बात मत कर, समझी? याद रख, पैसा वो जो हाथ में और रिश्ता वो जो साथ में. सिर्फ अपनी बेटी की सगाई पे ध्यान दे, चेहरे पे हंसी रख. मोहित कोई के चेहरे पे सिकन्ना चाहिए, समझी? ये लड़के वाले कार से क्यों आए? बस से क्यों नहीं? राघव मिश्री कहाँ है? नमस्कार नमस्कार, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है. क्या बात है, आप लोग खुश नजर ना आ रहे. हमसे कोई गलती रह गई का? अरे नहीं दादी जी, गलती मेरी है जो मैंने उस नकारा बदमाश ड्राइवर राघव की बस बुक कर ली किराए पर. अरे वो बेवकूफ हमें लेने ही नहीं आया, उसकी वजह से हम इतना लेट हो गए. ये छोटे गरीब लोग ना विश्वास के लायक ही नहीं होते. नहीं बेटा, ऐसे किसी को नहीं बोलना चाहिए, जरूर कोई मजबूरी रही होगी. कोई मजबूरी नहीं होती, बस मन में चोर और बेईमानी भरी होती है. अरे हम उसे बार बार फोन लगाते रहे, लेकिन मजाल है कि उस बंदे ने एक बार जवाब दिया हो. ऐसे लोग होते ही है गाली खाने लायक, जो अपने काम को काम नहीं समझते. नहीं ऐसा नहीं है मेरा बेटा. क्या कहा आपने बेटा? अरे तुम्हें कह रही है बेटा, जान दो ना, अब जो होना था है गया, पर शुभ काम में देरी क्यों करनी है? ये राघव और मिश्री हमेशा हमारी नाक कटाने पे क्यों टोले रहते हैं? दादी जी, आप हमसे क्यों नाराज है? हमने ना तो कुछ गलत कहा ना कुछ गलत किया है. हम बस यहाँ राघव जी को ढूंढने आए थे. हम सबको उनकी कोई चिंता नहीं है क्या? तुझे ना राघव की चिंता है ना इस परिवार की चिंता है, मुझे बस रिश्ता तोड़ना आता है. पहले तूने मेरे और राघव का रिश्ता तोड़ना चाहा, और अब राघव की बहन रिद्धि की सगाई तोड़ दी तूने. देख कैसे रो रो के बुरा हाल हो रहा है उसका.
भी हमें माफ कर दो। अगर आपको लग रहा है कि हमारे वजह से आपका रिश्ता टूटा है, राघव जी और हम मिलकर जयर उनके परिवार से बात करेंगे। पर इस समय राघव जी का मिलना बहुत जरूरी है और हम जानते हैं वो सब ठीक कर देंगे। अरे तू ऐसा कछु ना करेगी, वो बहुरानी ना है, नौकरानी है, नौकरानी, और वो भी अपशकुनी। ए खबरदार, जो हमारे होने वाले समझो से जाके बात की तो तेरी वजह से आज मेरा लल्ला बहन की सगाई पे ना आया और सगाई टूट गई। अरे अब कौन कौन को बताएंगे शहर में कि क्यों टूटी? दादी जी, रिश्ता टूटा तो छूट भी जाएगा, पर राघव जी का पता चलना बहुत जरूरी है। आप सब कोशिश कीजिए ना, किसी को फोन लगाइए, थाने चलिए, कुछ तो कीजिए प्लीज। मैं पता लगाऊंगी उसका। पक्का तूने कुछ किया होगा उसके साथ, है ना? वो तो घर लौटना चाहता होगा, अपनी वाणी के पास आना चाहता होगा, पर तूने उसे रोकने के लिए उसके साथ कुछ गलत किया होगा। बता क्या किया तूने उसके साथ, हाँ बता। अगर राघव को एक भी खरोच आई ना तो मैं तो कहती हूँ जाने कोई जादू मंत्र कर दियो है बाकियों पर, तभी तो वो अपनी भाई की, बेटे की, पति की सारी जिम्मेदारियों को भूल गया है। अरे बहन की सगाई पे तक ना आया, बाकी वजह से बहन की सगाई टूट गई। सब ठीक हो जाएगा, हम बात करेंगे ना जय और उसके माँ बाप से। कुछ ठीक नहीं होगा, जय मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला, पर मैं और क्या करती, बहन की वजह से आज मेरी सगाई टूट गई। नहीं रिद्धि, ऐसा नहीं है, राघव जी मिल जाएंगे ना तो वो खुद जय और उनके परिवार को सब समझाएंगे। राघव जी होते तो सब संभाल लेते, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। दो कौड़ी की तू अपने ऐशो आराम के लिए राघव को किडनैप किया ना? बोल कितने पैसे चाहिए तुझे? हाँ मैं तुझे इतना पैसा दूंगी कि तेरे साथ पुछते बैठ कर खाएगी, पर मेरे राघव को छोड़ दे तू। क्या हुआ, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है? लिख के दूं मैं? क्या क्या कह रही है, राघव जी हमारी जिंदगी है, हम उनकी जिंदगी खतरे में कैसे डाल सकते हैं? बस करो तुम सब, मेरे बेटे पे इल्जाम लगाना बंद करो। वैसे भी पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा राघव। आप सब हमारी एक बार बात सुन लीजिए, हम राघव जी को ढूंढते हुए आए थे कि वो हमें कहीं मिल नहीं रहे, काफी समय हो गया राघव जी का कुछ पता नहीं चल रहा है। राघव का पता कैसे चलेगा, तूने जो छुपाया है उसे तेरे साथ था ना वो, पर अब राघव जी गायब है। कहाँ है राघव, कछु कह क्या गया? नहीं दादाजी, हमारी बस का एक्सीडेंट होने वाला था, पर हमने एक्सीडेंट होने से बचा लिया, हम सब बच गए, हम सब ठीक थे, पर इसके बाद से राघव जी पता नहीं कहाँ चले गए, उनका कोई पता नहीं चला। हे भगवान, मेरा राघव पता नहीं कहाँ किस हाल में होगा। राघव जी कभी कुछ ऐसा नहीं करते, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ चले गए ऐसे बिना बताए। अरे राघव के लिए सबसे बड़ी पनौती तू है। मैं कही थी ना, जे डायन मेरे पोते को खा कर मानेगी। अरे कौन सी असुभ घड़ी में माने तेरे साथ ब्याह कियो, माने अपना परिवार, कारोबार, सारी खुशियां छोड़ दी सिर्फ तेरी वजह से, जाकी वजह सिर्फ तू है तू। हर जगह ढूंढो है दादाजी, हमने हर जगह ढूंढ ली है राघव जी। अरे ऐसे कैसे गायब हो गया राघव? देख मिश्री, तू फिर से कोई नई कहानी तो नहीं बना रही है ना? हम सच कह रहे, हमें जल्द से जल्द राघव जी को ढूंढना होगा। अब जाके पड़ताल करने के बजाय लल्ला को ढूंढो। हाँ, मुझे कैसे भी राघव चाहिए। मैं राघव के दोस्तों से पूछताछ करती हूँ, आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। बाबूजी चलिए, चलो पुलिस स्टेशन। अरे ना ना, पुलिस स्टेशन क्यों, सारे शहर में थू तो हो जाएगी, कैसी बातें कर रहे हो? माजी दादी जी, हम भी आपके साथ चलते राघव जी को ढूंढने के लिए। ना तू तो माफी कर, अरे तेरी जैसी अपशगुनी साथ में होगी ना तो मेरा राघव मोई कभी ना मिलोगे, हम अपने राघव को खुद ढूंढ लेंगे, समझी? चलो राघव जी को लापता करने में कहीं आपका तो कोई हाथ नहीं है? अगर मुझे गायब करना होता तो मैं तुझे करती, राघव को नहीं, क्योंकि मैं राघव से जितना प्यार करती हूँ
उससे कई ज्यादा मैं तुझसे नफरत करती हूँ। मिश्री हो ना हो, ये तेरा प्लान तो नहीं है मुझे राघव से दूर करने का? हाँ, तो इस परिवार की दया पाने के लिए सब कर रही है ना, ताकि ये लोग मुझे घर से निकाल दे और तू और राघव इस घर में लौट आए। देख मिश्री, अगर राघव मुझे नहीं मिला ना तो किसी को नहीं मिलेगा। हम आपकी तरह नहीं है वानी जी, हम प्यार करते हैं और प्यार देने का नाम है, पाने का नहीं। घंटे हो गए राघव जी बिना बताए से कहीं नहीं जाते, वो किसी मुसीबत में होगी। दादी जी भले ही मना कर रही है पर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे।